क्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया गया है और एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। 6 साल हो गए केस चल रहा है, नतीजा नहीं निकल रहा और आज तारीख ले लें, आइंदा समाअत पर केस चला देंगे, अदालत का कहना है। मजीद तफसील आ जानेंगे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, एमक्यूएम के रहनुमा है रऊफ सिद्दीकी, जिनकी जानिब से ये दावा दायर किया गया है हत्या की इज्जत का, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी जो है हफ्ते को उन्होंने अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसकी आज इब्तदाई समाअत हुई। रऊफ सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि 6 साल हो गए जो हत्या की इज्जत का केस किया था वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। रऊफ सिद्दीकी के मुताबिक 2017 में उन्होंने जो है वो एक जो है हत्या की इज्जत का दावा किया था, तहम जिस शख्स ने के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किया था उसका इंतकाल हो गया था। अब वो वीडियो जो है वो अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से और ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो चलाई जा रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत से रुजू किया है और ये सदा की गई है कि जो अफराद भी उनकी जो है वो हत्या की इज्जत में मुलविस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ जो है वो जुर्माना आयद किया जाए। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।